जिले के तहसील करनलगंज क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारियों व पूर्ति विभाग के अवैध संरक्षण व मिलीभगत के चलते गरीबों का निवाला और उनका हक छीनने का काम जोरों से लगातार जारी है। यूं कहें कि गरीबों के हक पर खुलेआम डाका डालने वाले बहुत ही निर्भीक तथा बेखौफ हैं, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपको बता दें कि इसका जीता जागता उदाहरण करनलगंज क्षेत्र में दोपहर बाद तब देखने को मिला जब करनलगंज तहसील तथा कोतवाली गेट के पास गोंडा लखनऊ हाईवे पर दिन दहाड़े एक सरकारी ट्रक में लदे सैकड़ों बोरे खाद्यान्न उतार कर खुलेआम एक गल्ला व्यापारी के दुकान पर बिक्री किया गया और मामला प्रकाश में तब आया जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें गाड़ी नंबर UP 43T 1718 ट्रक से सरकारी खाद्यान्न उतारा जा रहा है। वहीं क्षेत्र के कुछ स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों को ट्वीट व अन्य माध्यमों से अवगत कराया और सोशल मीडिया न्यूज पर भी यह वायरल वीडियो प्रमुखता के साथ दिखाया गया, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लेकर मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी और तब दुकानदार द्वारा बताया गया कि उसने खाद्यान्न खरीदा है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी करनलगंज हीरा लाल ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल के दौरान सरकारी ट्रक से उतारे गए खाद्यान्न के बेचे जाने की जानकारी ली और तहसील करनलगंज के निकट जनता ट्रेडिंग कंपनी के यहां छापेमारी करके 202 बोरी चावल सरकारी खाद्यान्न बरामद किया है, जिस पर उन्होंने पूर्ति निरीक्षक को बुलाकर मामले की कार्यवाही करने का आदेश जारी किया। इस मामले में उप जिलाधिकारी हीरा लाल ने बताया कि एक ट्रक से सरकारी खाद्यान्न उतारने की सूचना मिली थी, जिसे मौके पर पहुंचकर जांच की गई, लेकिन वाहन तब तक जा चुका था। ट्रक के लोकेशन को देखते हुए पता किया गया तो एक जनता ट्रेडिंग कंपनी है जो आड़ीतियां हैं, उनके यहां 202 बोरी चावल उतारा गया था जो सरकारी वाहन में लगी गाड़ी से खाद्यान्न उतार कर बेचा गया है और खरीदने वाले दुकानदार ने भी इसे स्वीकार किया है। मामले में आगे की जांच कार्यवाही चल रही है, जो विधिक कार्यवाही होगी कराई जाएगी। वहीं जब उक्त खाद्यान्न बिक्री मामले में पूर्ति निरीक्षक बलेश्वर मणि त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मालूम हो सरकारी खाद्यान्न के कालाबाजारी की यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब गंभीर सवाल यह उठता है कि कहीं इस खाद्यान्न कालाबाजारी के हो रहे पूरे खेल में जिम्मेदारों का पर्दे के पीछे से हाथ तो नहीं। फिलहाल ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। अब देखना यह है कि आला अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है और इस खुलेआम चल रहे गोरख धंधे पर अंकुश लगता है या नहीं। घुमाओ, अरे रुको पहले घुमाओ, एक क्या कह माल आए गाड़ी की क्या रुको राजू कहते हैं हम सब क्या अरे तो बताइए 5 बजे के आसपास मुझे जानकारी मिली है कि एक ट्रक से सरकारी खाद्यान्न उतारा गया है, तो मेरे द्वारा जांच की गई तो ट्रक तो नहीं मिला, लेकिन ट्रक के लोकेशन को देखते हुए पता किया गया तो एक जनता ट्रेडिंग कंपनी है जो आड़तियां हैं उनके यहाँ दो बोरी चावल उतारा गया था जो सरकारी वाहन से में लगी गाड़ी थी उससे उतारा गया था। उसकी आगे की जांच और कार्रवाई चल रही है, जो विधिक कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा और फिर आपको अवगत कराया जाएगा। जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद।